जब आपको आपकी कोई गलती बताता है या आपको खुद अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है, उस वक्त आप क्या करते हैं? अपने आप को प्रूव करने लगते हैं या अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान देते हैं? देखिए, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो हर वक्त अपना आपको राइट प्रूव करने के लिए उल्टे सीधे सारे सबूतों को इकट्ठा करते रहते हैं, और दूसरी तरीके के जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर आप देखो इम्प्रूव, तो उसमें इम्प्रूविंग की स्पेलिंग में आता है आई एम प्रूविंग, यानी कि जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो आप खुद ही प्रूव हो रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको कोई आपकी गलती बताई, तो हम क्या करते हैं, जनरली ना एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, मेरी गलती नहीं थी, मेरी टेबल पे तो फाइल ही बहुत लेट पहुंची है, मैं क्या करता, वो टाइम पर नहीं आया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तरह तरह के एक्सक्यूज़ से। इससे आपने अपनी अपॉर्चुनिटी पर द एंड लगा दिया। अपॉर्चुनिटी कैसी? कुछ नया सीखने की, स्किल्स और लोगों से जुड़ने की। अब यही आपका फोकस शिफ्ट कर लिया आपने, और आपने देखा कि जब भी कोई आपको गलतियां बता रहा है या आपको खुद रियलाइज़ हो रहा है, तो आपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया और आपने वो सारी स्किल्स सीखने की कोशिश की, वो सारी नॉलेज से अपने आप को भरने की कोशिश की, जिससे आप नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज ही आपको सोचना है आप कौन सी कैटेगरी में हैं, इम्प्रूविंग या प्रूविंग वाली में। अगर आप इम्प्रूविंग पर ध्यान देंगे तो प्रूव अपने आप ही हो जाएंगे।